खबर यह है कि देश में जिस तरीके से नुपुर शर्मा को लेकर पूरे देश में पूरे राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए वो किसी से छुपे नहीं है। सबसे पहले आप देखिए, जुम्मे की कल नमाज थी, जुम्मे की नमाज के बाद जब नवाजी निकले तो उन्होंने शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया। इसमें जितने भी राज्य शामिल थे वो थे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, मेरठ, सहारनपुर, लखनऊ, प्रयागराज, मुरादाबाद समेत तमाम जगहों पर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। और ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था नुपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई को लेकर, क्योंकि बीजेपी की बहुत बड़ी प्रवक्ता जो कि नुपुर शर्मा है, जिसने मोहम्मद साहब के ऊपर जो टिप्पणी की है, अभद्र भाषा के साथ जो टिप्पणी की थी, उसी के चलते नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। जी हाँ, विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक किया जा रहा था मुस्लिमों के द्वारा। कल बहुत बड़ा दिन था, शुक्रवार का दिन था, जुम्मे की नमाज का टाइम था, उसके बाद नमाजियों ने विरोध प्रदर्शन जारी कर दिया। हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है, सभी को अपने हक अधिकार के लिए लड़ने का अधिकार है, सब अपनी बातें रख सकते हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन झारखंड की राजधानी रांची में तो हद ही हो गई। जी हाँ, पहला ऐसा प्रदर्शन हुआ है जब गोलियां चली हैं, वो भी मुस्लिम समाज के ऊपर। लगातार जिस तरीके से हमारे देश की बीजेपी पार्टी, जो इतनी बड़ी पार्टी बन चुकी है, जिसने पूरे संघ को इतना बड़ा जो दर्जा दे रखा है, उस संघ ने पूरे देश को एक शर्मनाक तरीके से झुकाने का काम तो किया ही है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा हो, चाहे नवीन जिंदल हो, वहीं इसी में लगातार चार पांच नाम जुड़ते आ रहे हैं। वहीं पूजा शकुन पांडे, जो हिंदू महासभा की अधिकारी है, जी हाँ, पूजा शकुन पांडे का नाम भी इसमें जुड़ गया है, जो अधिकारी है हिंदू महासभा की। उसके बाद यति नरसिंह हनन, जो धर्म संसद सजाता है, वो भी लगातार अब इस मुद्दे में शामिल हो चुका है और इनके ऊपर FIR हो चुकी है। लेकिन FIR होने का मतलब क्या होता है? FIR होने के बाद इनकी गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी। वहीं नुपुर शर्मा को Y+ सिक्योरिटी दी गई है। जी हाँ, Y+ सिक्योरिटी के दौरान उसको नजरबंद कर दिया गया है। और जो लगातार हमारे देश को झुकाने के काम करने के बाद जो नुपुर शर्मा ने प्रोफेट मोहम्मद साहब पर गलत सलत टिप्पणी बोली है, उसके बाद तो हद ही हो गई है। पूरे देश में गहमा गहमी हो गई है, पूरे देश को नफरत की आग में झोंकने का काम किया है बीजेपी के ये सभी प्रवक्ता। और अधिकारी पद पर होने के बाद इस तरीके की ये बयानबाजी देते हैं, इनको किसने अधिकार दिया है किसी भी धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत करें। इतिहासकार प्रोफेसर रतनलाल जब टिप्पणी कर देते हैं तो उनके ऊपर FIR हो जाती है, पूरे देश में हल्ला मच जाता है। लेकिन खैर, ये अभी बात हो रही है नुपुर शर्मा की, जो लगातार हमारे देश को झुकाने का काम कर दिया है। पूरे UAE, मिडिल ईस्ट में पूरे देश की बदनामी हो रही है। लगातार वहां पर भारतीयों को भी नकारा जा रहा है, वहां के भारतीय प्रोडक्ट को भी फेंक दिया जा रहा है और भारतीय प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया है। ये तो रही इतनी बात, लेकिन इनकी टिप्पणी के बाद, इस मैडम की टिप्पणी के बाद, जो देश में नफरत की आग उगलने वाला ये काम किया है और नफरती लोगों ने नफरती चिंटू छोड़ दिए हैं, जो टीवी डिबेट पर बैठकर लगातार दो मुर्गों की लड़ाई लड़ा देते हैं। और जो टीवी डिबेट करते हैं, सबसे पहले तो प्रतिबंध इस गोदी मीडिया पर लगना चाहिए जो लगातार इस तरीके की डिबेट कराते हैं। क्या इन गोदी मीडिया पर इस तरीके की कार्रवाई होगी, जो पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हैं, जो लगातार ऐसी डिबेटें कराते हैं? इनका काम TRP बटोरने का है और TRP के लिए एक महंत और मौलाना को बिठाकर ये लगातार इस तरीके की बयानबाजी करवाते हैं। क्या इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले इस गोदी मीडिया पर बैन लगना चाहिए, जो इस तरीके की डिबेट कराकर पूरे देश का माहौल खराब करते हैं और पूरे देश में आग को फैलाने का काम करते हैं। सबसे पहली हिंसा जो भड़की है वो यहीं से भड़की है, और सबसे पहली शुरुआत जो हुई है वो यहीं से हुई है। ना इस तरीके की नुपुर शर्मा जो प्रवक्ता है बीजेपी की, वो इस डिबेट में आती, और ना ही इस तरीके के मौलाना जो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा बटोरने के लिए, धर्म के नाम पर अपने ईमान को बेच देते हैं, ऐसे लोगों पर बैन लगना चाहिए। सबसे पहले तो ऐसी डिबेट करने वाली जो रूबी का लियाकत है, उसका तो आपने नजारा देखा ही होगा, किस तरीके से वो जहर उगलने का काम करती है। वहीं चौहान के है, जो लगातार इस तरीके की डिबेटें करवाता है, जो 6 से 16
बॉक्सों में बिठाकर लोगों की डिबेटें लड़वाता है और लगातार हिंदू मुस्लिम करवाता है। जिस तरीके के हालात इस देश में आज बन चुके हैं, इससे बदतर हालात किसी देश में नहीं होंगे। मैं सबसे पहले बात करती हूँ रांची की। रांची में जिस तरीके से पुलिस वालों ने गोलियां चलाई, उसमें दो मुस्लिमों की मौत हो गई है। जी हाँ, उसमें मुस्लिम लोगों की, लड़कों की, 16 साल का मुदस्सिर, उसके ऊपर गोली चला दी गई, जबकि वो विरोध प्रदर्शन बड़ी शांतिपूर्वक, वहां पर सभी लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्वक कर रहे थे। वहीं भगवाधारी गमछाधारी लोग ऊपर से काली मंदिर की छत से गोलियां चलाते हैं, उसके बाद वहां पर पत्थरबाजी हो जाती है। एक पुलिस वाले जो वर्दी में मौजूद है, वो पुलिस वाला पत्थर चलाने लगता है, वही गोली भी चला देता है। इनको अधिकार किसने दिया कि इस तरीके की जो कोई अपना विरोध प्रदर्शन करे तो उस पे वो गोली चला दे? क्या ये सिस्टम इतना सड़ चुका है? क्या न्यायालयों पर से लोगों का भरोसा उठ चुका है? क्या ये पूरी गोदी मीडिया से लेकर पुलिस, अदालतें बिक चुकी हैं? ये लगातार सवाल उठ रहे हैं हमारे देश की गोदी मीडिया से लेकर पूरी पुलिस प्रशासन पर, कि इस पुलिस प्रशासन को किसने इतना अधिकार दिया कि गोली चल जाए? क्योंकि इससे पहले भी बड़े बड़े आंदोलन हुए, चाहे वो अन्ना हजारे आंदोलन हो, चाहे धर्म संसद के लिए जंतर मंतर पर होने वाला आंदोलन हो, वहां पर काशी से आए हुए धर्म गुरु जब वहां पर बड़ा बड़ा प्रदर्शन करते हैं धर्म के नाम पर, वहां यज्ञ किए जाते हैं, तो वहां गोलियां नहीं चलती हैं। यही दोहरे मापदंड की राजनीति करती आई है बीजेपी और आरएसएस। आरएसएस ने पूरे देश को इसी तरीके की नफरत की आग में झोंक दिया है और लगातार इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हो रहा है। सबसे ज्यादा हमारे देश में बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए था, महंगाई मुद्दा होना चाहिए था, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं, मगर ये सब मुद्दे नहीं है। सिर्फ टीवी डिबेट पर लड़ाई करवा देना ही मुद्दा है और हिंदू मुस्लिम करवा देना ही मुद्दा है, मंदिर मस्जिद करवा देना ही मुद्दा है। लेकिन सारी बात आकर यही रुकती है कि इस तरीके से नुपुर शर्मा की तरफ से इतनी भद्दी टिप्पणियां की गई, उसके बाद उसकी अरेस्टिंग नहीं की जाती है, उस पर एफआईआर हो जाती है, मगर उसे वाई प्लस सिक्योरिटी दे दी जाती है, वहीं उसे नजरबंद कर दिया जाता है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की जाती, उसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई धाराएं नहीं लगती हैं। जी हाँ, और इसी तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री, जी हाँ, प्रधानमंत्री को क्या आकर इस तरीके से हमारे देश का जो सौहार्द खराब हो रहा है, हिंदू मुस्लिम सौहार्द खराब हो रहा है, क्या उनको दो टूक बात नहीं रखनी चाहिए थी? क्या मंच पर आकर उनको अपने मन की बात नहीं कहनी चाहिए थी? इससे भी पहले उन्होंने मन की बात के प्रोग्राम किए हैं, लेकिन क्या इस पर उनको कुछ टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी? जिस तरीके से पूरे देश को झुकाने का काम किया है यूएई, मिडिल ईस्ट में भी हमारे देश लगातार हमारे देश की शाख गिरती जा रही है, क्या उस पर हमारे प्रधानमंत्री का ट्वीट आना नहीं था? क्या हमारे प्रधानमंत्री को सामने आकर नहीं बोलना चाहिए था? क्या प्रधानमंत्री को इस तरीके से सामने आकर शांतिपूर्ण तरीके से लोगों में शांति का एक पैगाम नहीं देना चाहिए था? इसी तरीके से हमारे लोकतांत्रिक देश में सभी लोगों को आंदोलन करने का अधिकार है। इससे पहले जो आदिवासी अगर आंदोलन करता है तो उसको नक्सलवादी बोल दिया जाता है, और मुस्लिम अगर आंदोलन करता है तो उसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। इसी तरीके से लगातार ये होता आ रहा है हमारे देश में। आखिर हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है? आपने एक फिल्म देखी होगी, माय नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट, यानी कि अगर वो खान है तो वो जिहादी है, आतंकवादी है। अगर कोई हमारे देश का शोषित पीड़ित वर्ग वो प्रोटेस्ट करता है तो उसको नक्सलवादी बोल दिया जाता है। लगातार इसी तरीके से देश को बांट दिया गया है जातियों में, और इसी तरीके से हमारे देश के लोकतांत्रिक देश पर प्रहार किया जा रहा है और उनके हक अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। क्योंकि इस देश में सभी को अधिकार है अपनी बात को रखने का, अपने हक के लिए लड़ने का और अपने अधिकारों के लिए सामने आने का और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का, लेकिन ये एक ऐसा पहला प्रदर्शन किया जाता है जिसमें गोलियां चल जाती हैं, लोगों की मौत हो जाती है, 12 लोग घायल हो जाते हैं और 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, और लगातार इसी तरीके की हिंसा भड़काई जाती है। इससे पहले भी लगातार दंगे हुए, उसमें भी मुस्लिमों को टारगेट किया गया। आखिर ये पिछले 8 सालों में लगातार क्यों हो रहा है, ये आप भी सोचिए। इस सब पर आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।
शुक्रिया।